अस्सलामुअलैकुम, बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। हुकूमत मुखालिफ इनिंग्स के लिए इमरान खान ने मैदान चुन लिया है। स्टेडियम सजाने की हिदायत कर दी। 13 अगस्त के बड़े इज्तिमा के लिए खिलाड़ियों से सलाह मशवरे भी शुरू कर दिए। इंतजामिया ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। जलसा गाह की गुजरगाहों को बंद करने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इनिंग्स के लिए मैदान चुन लिया है। स्टेडियम को सजाने की हिदायत भी कर दी गई है। 13 अगस्त के बड़े इज्तिमा के लिए अपनी टीम के खिलाड़ियों से सलाह मशवरे भी शुरू कर दिए। उधर इंतजामिया ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। PTI के एहतजाज को रोकने के लिए जलसागाह की गुजरगाहों को बंद करने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ा सियासी पावर शो करने जा रही है और उसके लिए अब इमरान खान ने मैदान का इंतखाब कर लिया है। ग्राउंड ढूंढ लिया, फील्डिंग की प्लानिंग शुरू कर दी। मुखालफीन को सेर करने के लिए तहरीक इंसाफ की जोरदार तैयारियां। 13 अगस्त को 13 जमाती इत्तेहाद को कैसे चोट लगानी है, कब यॉर्कर करानी है, कैसे बाउंसर मारनी है। कप्तान ने सलाह मशवरे के लिए खिलाड़ियों को एक मेज पर बुला लिया। सलाह के मुताबिक इमरान खान की सेर क्यादत होने वाले अहम इजलास में एजेंडे की हतमी मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानब हुकूमत ने भरपूर जवाबी कार्रवाई का फैसला कर लिया। चारों सूबों से पुलिस की नफरी मंगवाई जाएगी। जलसे में आने वाले काफिलों के लिए खारदार तारें और कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे। आजादी के मौके पर पिंडी स्टेडियम के बाहर कैदियों की वैन की आमद भी मुतवक्के है। शाह महमूद कुरैशी ने चंद अरकान के इस्तीफों की मंजूरी को सियासी चाल करार दे दिया। कहते हैं तमाम अरकान ने एक साथ इस्तीफा देने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन की हठधर्मी पर कायम रहा तो इमरान खान खुद नौ हलकों पर इलेक्शन लड़कर फस्तायत का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को हकीकी आजादी के लिए रावलपिंडी में लाए अमल का ऐलान करेंगे। सुलूक जो बढ़ता जा रहा है ये मुनासिब नहीं है, ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तमाम मेंबरान ने बयक वक्त मुस्तफ़ी होने का फैसला किया था और अपने इस्तीफे डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे थे कासिम सूरी साहब उनको पहुँचाए और उन्होंने आगे पास ऑन कर दिए थे इलेक्शन कमीशन को। अब ये सिलेक्ट करना चंद हलकों को मैं समझता हूँ बदनीयती है। ये इनका एक सियासी एक उनकी चाल है और उसके खिलाफ हम कानूनी चारा जो मैदान में हैं और सियासी तौर पे भी उनका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमारी कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी हकधर्मी में कायम रहता है तो इंशाल्लाह वो 9 के 9 हलकों में खुद इस फस्ताइयत का मुकाबला करेंगे। अगस्त तरक्कियों तायनातियों तनजलियों का महीना है। शेख रशीद अहमद ने नई पेशगोई कर दी। कहते हैं सियासी जमातों में टकराव की कैफियत पैदा हो गई। गैर यकीनी सियासी और मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। माइनस और प्लस का फैसला जमीन खुदा नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब ने तरामीम की। में टकराव की कैफियत पैदा हो गई। सूबे और मरकज आमने सामने आ गए। माइनस और प्लस का फैसला जमीनी खुदाओं ने नहीं करना, फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करना है। शेख रशीद एक बार फिर मुल्की सियासी सूरत हाल पर बोल पड़े। ट्विटर बयान में साबिक वजीर दाखिला ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रख कर नैब में तरमीम की। एहतसाब जजेस की तकरीरी सदर नहीं, करप्शन ज्यादा लोग करेंगे। जेलें गरीबों के लिए है, अशरा माफिया के लिए ये 5-स्टार होटल है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतमाद नहीं होगा तो इमरान खान इलेक्शन को कैसे मानेगा। शेख रशीद ने पेशगोई की कि अगस्त तरक्कियों तायनातियों तनजलियों का महीना है। गैर यकीनी सियासी और मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 12 अगस्त दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ के रानुमा फवाद चौधरी कहते हैं 24 अरब रुपए के मुलजिम हमजा शहबाज को लंदन फरार करवा दिया। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIE की 5 टीमें तश्कील दे दी गईं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ समझती है। ट्विटर पर चौधरी ने कहा मुहर्रम के बाद 25 मई के मुलजिमान का एहतसाब शुरू होगा। कौम हकीकी आजादी की जिदोजहद के आखिरी मरहले की तैयारी करे।
और हुकूमत मुखालिफ इनिंग्स के लिए इमरान खान ने मैदान चुन लिया है। स्टेडियम सजाने की हिदायत कर दी गई है। 13 अगस्त के बड़े इज्तिमा के लिए खिलाड़ियों से सलाह मशवरे भी शुरू कर दिए गए हैं और इंतजामिया भी मुतारिक हो गई है और इनका रास्ता रोकने की कोशिशें की जाएंगी। फरूख हबीब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख साहब, ये रावलपिंडी स्टेडियम में इस वक्त जलसा करने आप लोग जा रहे हैं, फाइनल हो चुकी है जगह या फिर अभी मुशावरत होना बाकी है? देखें, अभी तो ये रावलपिंडी स्टेडियम जो है, यहाँ पर अभी प्रोग्राम है हमारा 13 अगस्त का जो है वो जलसा करने का, और अभी भरपूर मैं समझता हूँ कि अवामी ताकत का जो है वो मुजाहरा किया जाएगा और ये एक नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम इस इंपोर्टेड हुकूमत से, लुटेरों से, डाकुओं से नजात चाहते हैं और फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम जो है वो फौरी फिलफोर नए और साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, उसकी तरफ जो है वो हमने आगे बढ़ना। तो फरूख साहब, इमरान खान साहब ऐलान करेंगे 9 सीटों से इलेक्शन लड़ने का, ये तय हो चुका है जलसे में, इस बात का ऐलान होगा? देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो जलसे में सामने आएंगी और इस हवाले में कोई शक नहीं है कि ये मदनीयती की बुनियाद पर है। इन्होंने जो 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं, हमारे तो 130 इस्तीफे स्पीकर उस वक्त के कासिम सूरी मंजूर करके जा चुके थे, जो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे वो 130 के 30 मंजूर होने चाहिए, लेकिन चूंकि एक गठजोड़ नजर आता है इलेक्शन की जानिब से, वो 130 इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। उसके बाद पिक एंड चूज करके ये 11 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, तो अगर ये यही काम करेंगे तो इमरान खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे इन तमाम जिम्मी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा बोल से गुफ्तगू के लिए। आप जमानत मंजूर कर ली, 50 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। वकील आदिल गुजर ने अदालत को बताया कि नजीर चौहान की मजरूब आदिल महमूद गुजर से सुलह हो गई है, जमानत पर कोई एतराज नहीं। आदिल महमूद गुजर ने भी राजीनामे का बयान दिया। नजीर चौहान पर आदिल गुजर को फायरिंग से जख्मी करने का इल्जाम है। इंसानों को खरीद कर हुकूमत बनाने वाले कयामत के दिन कैसे सामना करेंगे? क्या ये अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो सकते हैं? नामवर आलमे दीन मौलाना तारिक जमील ने हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए मौलाना तारिक जमील ने कहा कि हमारे वजीर और हुक्मरान जब कयामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होंगे तो उन्हें पुश्त से बंधे हाथों की हालत में पेश किया जाएगा। अब क्या पाकिस्तानी हूँ, तबलीग वाले सियासत में नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तानी हूँ, जरूरी है जी, और पाकिस्तान की शहरियत रखता हूँ। किस तरह इंसानों को खरीदा गया और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई, क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो सकते हैं? कम वक्तों मैंने तो औलाद जबा करवा दी और तुम चंद टकों पे तुमने 22 करोड़ आवाम को जलील व ख्वार करके रख दी। मतलब माओ ने अच्छे डॉक्टर जने हैं, पाकिस्तान की माओ ने अच्छे इंजीनियर जने हैं, अच्छे साइंस जने हैं, अच्छे स्कॉलर पैदा किए हैं, लेकिन ये 2,500 सियासतदान आज तक किसी माँ ने नहीं पैदा किए कि कोई ऐसा भी हो जो कहे कि मुझे अपने नबी के तरीके पर निजाम चलाना है, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा। क्या बात, चंद दिन की तो बात। ये सारे बात जो वजीर हैं, बादशाह हैं, और ये जो जज बैठे जो आज अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं, ये कयामत के दिन इनके हाथ यहां बंधे हुए होंगे यहां, और अल्लाह इनको यहां इस तरह बांधे हाथ खड़े कर पूछे, बोलो क्या क्या हुकूमत में, वजारत में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।